सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये थोड़ा सा हमने पतीली में देसी घी लिया है, तकरीबन हाफ कप के करीब। अब ये थोड़ा सा गर्म हुआ है तो इसके अंदर जो है हम सूजी डालेंगे। ये हमने जो गाय वाला देसी घी होता है ये वो लिया। इसके लिए आपको इसका कलर येलो नजर आ रहा है, आप इसके लिए बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये थोड़ा सा गर्म होगा हम इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे। अब मैं साथ ही इसके अंदर ये मैंने एक पाव के करीब जो है वो सूजी ली है। इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये मुझे थोड़ा सा घी कम लगा था, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और घी ऐड कर दिया। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने सूजी की जो हम पंजीरी बना रहे हैं उसके लिए मुख्तलिफ नट्स ले लिए हैं। इसके अंदर मैंने पिस्ता, बादाम और गरी और अखरोटों को जो है वो मिक्स कर लिया, ब्रिक ब्रिक कट कर लिए हैं। ये हमारी जो है बादाम, ये पिस्ता और साथ अखरोट का है चूरा और साथ में हमारी कोकोनट। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं और मोटा मोटा भी डाल सकते हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात, इसके अंदर आपने छोटी इलायची भी डालनी है। मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसके अंदर जब हमने घी डाला था ना उसी वक्त हमने इलायची का पाउडर भी इसमें शामिल कर दिया था, छोटी सब्ज इलायची। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब आपने इसमें साइड पे क्या करना है, इसके साथ साथ आपने वो ये काम करना है कि आपने एक कप के करीब जो है वो एक पतीली में पानी ले लेना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और साथ पे मैंने एक कप में चीनी ली हुई है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पाव यानी कि 250 ग्राम्स जो है वो हमने सूजी ली है, उसके अंदर मैं 100 ग्राम यानी कि तकरीबन आधे पाव से थोड़ी सी कम जो है चीनी का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मैं थोड़ी चीनी खाती हूँ, थोड़ा मीठा पसंद करती हूँ। लेकिन जो अगर आप लोगों ने बनाना है तो इसको अपने टेस्ट के मुताबिक डबल भी कर सकते हैं, इक्वल भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। वैसे इसके एग्जैक्ट अगर आपने अंदाजा लेना है तो वो ये है कि आधा किलो में एक पाव चीनी डलेगी। अब मैंने एक पाव लिया है तो इसमें आधा पाव जो है वो चीनी इस्तेमाल होगी, लेकिन मैंने आधा पाव से थोड़ी सी कम ली है, तकरीबन 100 ग्राम। अब आपने क्या करना है, इस तरह एक पतीली ले लेनी है, उसमें हमने एक कप पानी डाला है। अब उसके अंदर हम एक कप जो है वो मैंने चीनी डाल दी है। इसको पकने के लिए रखेंगे, जैसे इसमें एक से दो बॉइल आएंगे हम इसको उतार कर सूजी में शामिल करेंगे। चलिए इसको अब चूल्हे पर रखते हैं। ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने धीमी आंच पर चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है। जैसे इसमें एक से दो बॉयल आएंगे हम इसको उतार कर सूजी में शामिल करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब जो हमारी सूजी थी ये वो गोल्डन हो चुकी है और इसने घी छोड़ दिया। अब मैं इसके अंदर ये कटे हुए जो सारे नट्स हैं वो शामिल करूंगी। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे और फिर आखिर पर जो है वो हम अपना जो शीरा तैयार किया है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके साथ ही अब हमने 2 खाने के चम्मच जो है वो सौंफ ली है और साथ थोड़ा सा जो है वो हमने मेवा लिया है और साथ में मैंने थोड़ी सी किशमिश ली है। अब हम इसको भी सूजी में शामिल करते हैं। अब मैं ये इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट जो है वो हम भूनेंगे। अब हम 1 से 2 मिनट भूनते हुए हो गए, अब हमने आखिर में इसके अंदर शीरा शामिल करना है। चलिए इसमें शीरा शामिल करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब जो हमारा शीरा है वो पककर तैयार हो चुका है, इसको भी हम सूजी में शामिल करेंगे। अब मैं शीरा भी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ध्यान से आपने यहाँ पर बड़ी एहतियात करनी है कि आपका हाथ ना जले। इसको अब हमने जब तक पकाना है
यहाँ तक कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये घी छोड़ दे। वक्फे वक्फे से हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कैमरे में आपको नजर आ रहा होगा कि घी जो है वो इस सूजी के ऊपर आ गया और पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो गया। अब हम इसमें दोबारा चम्मच चलाते हैं, 3 से 4 मिनट में जो ऑयल है वो इसके ऊपर आ गया। जो हमारी पंजीरी है वो बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो पंजीरी है वो डिश आउट हो चुकी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों की खास डिश है और हर घर में ये मकबूल और पसंद की जाती है। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।